एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के गिर सोमनाथ से ये बड़ी जानकारी। सोमनाथ मंदिर के ठीक पीछे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर यहां पर ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। आपको बता दें कि देर रात से ये ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें 36 जेसीबी, 70 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लगाया गया है। 1500 पुलिसकर्मी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य चल रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मौके पर इस वक्त 36 बुलडोजर मौजूद हैं, जो जेसीबी मशीन्स हैं उनकी बड़ी संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि अवैध अतिक्रमण को हटा रही है। साथ ही 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती। गुजरात के गिर सोमनाथ से ये बड़ी खबर। मंदिर के पीछे सरकारी जमीन पर जो अवैध अतिक्रमण हो गया था, उसको हटाने के लिए बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। देर रात से ही ये ऑपरेशन शुरू हो गया था। 70 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लगाया गया है, ताकि जल्द से जल्द यहाँ का जो मलबा है उसको हटाया जा सके। 36 जेसीबी बुलडोजर्स की यहाँ पर आपको संख्या नजर आ रही होगी, लगातार जो अवैध अतिक्रमण को तोड़ रहे हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नजदीक धार्मिक अतिक्रमण दूर करने की कार्यवाही है, वो चल रही है। पिछली रात को रात 10 बजे से गिर सोमनाथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस तंत्र के द्वारा अपनी पूरी फोर्स के साथ ये काम है वो शुरू किया गया था। 5,000 से 7,000 जो रिहायशी लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था कि ये अतिक्रमण दूर नहीं होने चाहिए। पहले तो पुलिस के द्वारा उनको समझाने की पूरी कार्रवाई की गई, लेकिन मध्य रात्रि से ही पुलिस के द्वारा धीरे धीरे करके जो अपना काम है वो आगे बढ़ाया गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने यहां से 2 किलोमीटर दूर जो विवादास्पद स्थल है वहां तक जाने के लिए प्रवेश बंदी अभी शुरू की है। तो यहां से कोई भी जो सिविलियन है वो आगे नहीं जा सकता। पुलिस अपने विविध व्हीकल के अंदर पुलिस काफिले के साथ पेट्रोलिंग कर रही है और जो धार्मिक सौहार्द है वो पूरे परिसर का और पूरे विस्तार का वो बना रहे, ऐसा पुलिस और तंत्र का प्रयत्न है। कहा जा रहा है कि जो पीछे 2 किलोमीटर दूर विवादास्पद स्थल है वहां पर कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं, कुछ हटाए जाने वाले हैं। पुलिस तंत्र वहां पर सज खड़ा है और किसी को भी वहां पर प्रवेश बंदी अभी जो की गई है, तो आगे भी ये प्रोसेस है वो चलता रहे, ऐसा क्यास लगाया जा रहा है। कौशल जोशी, जी न्यूज, सोमनाथ। देखिए किस प्रकार से अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आपको बड़ी संख्या में बुलडोजर्स दिखाई देंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि 36 की संख्या में जेसीबी मशीन्स हैं, जो कि अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए देर रात में ही पहुंच गई। और देर रात ये जो पूरा सिलसिला है अवैध अतिक्रमण को हटाने का, जो ऑपरेशन है वो शुरू हो गया था। इस रोड पर आप देख रहे हैं लंबी कतार आपको जेसीबी की नजर आ रही होगी। कौशल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कौशल, देर रात से ऑपरेशन चल रहा है अवैध अतिक्रमण को हटाने का, फिलहाल क्या अपडेट, क्या तस्वीरें? जी, आप सोमनाथ के पीछे का जो मुख्य मार्ग है जो उसको वेरावल शहर के साथ जोड़ता है, आप वो देख रहे हैं। मार्ग के ऊपर पर भी जो पुलिस काफिला है वो लोगों को यहाँ जो ये विवादास्पद विस्तार है जहां पर ये पूरा जो अतिक्रमण हटाने का सिलसिला है वो चल रहा है, वहां पर जाने के लिए पाबंदी फरमा दी गई है। और खास करके जो पुलिस के आला अधिकारी है गिर सोमनाथ जिला के पुलिस अधीक्षक, उसके अलावा और दो पुलिस अधीक्षक, रेंज IG, कलेक्टर, सभी जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। और 2000 से ज्यादा का जो पुलिस बल है वो स्थिति को में करने के लिए यहां पर मौजूद है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। कौशल, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी संख्या में जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद है। लगभग 2000 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। जीनी।